हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें ये लगभग छठी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 5 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको वीडियोस में डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम सीरीज से लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप क्लास 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं 2020 में, आपका कोई सा ही बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, यूके बोर्ड है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, CBSE है, ISC है, बिहार है, हरियाणा है, कोई सा भी बोर्ड आपका है, उसी बोर्ड में अगर NCERT पैटर्न है या फिर आपके यहाँ पे चैप्टर होंगे, एक आध चैप्टर की अलग बात है लेकिन मोस्टली चैप्टर्स आपके यहाँ पे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस मैं पिकअप कर रहा हूँ अपने एक एक्सपीरियंस के तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि 6 साल मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हो चुके हैं और मेरी MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पूरे एक जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते तो आपके एग्जाम्स में 90+% मतलब 90% मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में आपको मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और फिजिक्स के लिए भी मिलेगी, और इनका सोल्यूशन मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक एक चैप्टर की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, अगर मैंने चैप्टर के नाम उनके आगे नंबर लिख रखे हैं कौन से वाला कौन से चैप्टर से, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसी चैप्टर की प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर वो वीडियोज आपको नहीं मिलती तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई भी आपके पास नोट्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको 100% तैयार करने हैं। ये आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो विटामिन्स पे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। विटामिन्स क्या है, विटामिन से आप क्या समझते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन विटामिन्स पे। दूसरा है हमारा बहुलक के अंदर से, यह है दैनिक जीवन में रसायन और यह है योगात्मक संघनन बहुलक। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो विटामिन्स को विटामिन ही बोलते हैं। ये आपका 16 चैप्टर जो है डेली लाइफ वाला केमिस्ट्री इन डेली लाइफ उसमें से है। दूसरा जो हमारा एडिशन एवं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, योगात्मक या संघनन बहुलक, ये बहुलक के अंदर से आता है। तीसरा है मंडल परिष्करण, ये आपका चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, तो मंडल परिष्करण इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 4, कोटि व आण्विकता में अंतर, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, रासायनिक बलिगति के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का है वो है या तो राउल्ट का नियम आ जाए या फिर हेनरी का नियम आ जाए, या इन पे आधारित न्यूमेरिकल असाज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो आपका विलियन है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर से है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन है आपका विटामिन्स का, दूसरा है योगात्मक और संघनन बहुलक का, इसको हम एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। मंडल परिष्करण तीसरा क्वेश्चन है, इनको लिख लेना और तैयार करना, क्योंकि हम एक या दो दिनों में वीडियोस बनाते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको एक दिन में या 2 दिन में तैयार कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है कोटि व आण्विकता में अंतर, मंडल परिष्करण जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के अंदर से आता है, और कोटि व आण्विकता में अंतर चैप्टर नंबर 4 है, राउल्ट और राउल्ट का नियम या फिर हेनरी का नियम। तो वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट हमें नीचे जरूर लिखें। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन को दिक्कत आ रही है, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप नोट्स भी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इनके सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। करना सिर्फ इतना है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है केमिस्ट्री पाठशाला, तो आपको मेरी वहाँ पे भी सारी PDFs वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लाइव केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाने वाले हैं। जो मेरा कोचिंग सेंटर है उनके सभी टीचर्स आपको, अलग अलग टीचर अपने अपने क्षेत्र के विद्वान जो टीचर होंगे वो आपको यहाँ पे नॉलेज देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमसे फेसबुक पे जुड़ना है, इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा, अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं नीचे दे दूंगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे, ये मेरी पूरी 100% आशा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।